हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं सीमा, और आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी मैंने हेयर पैक लगाया हुआ था और इस समय बज रहे हैं 3। मैंने हेयर वॉश कर लिया है, पैक मेरा हो चुका है कम्प्लीटली ड्राई, ठीक है। और आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी मेरी, वॉच कर ली होगी। और एक्चुअली हम लोगों का एकदम से प्लान बन गया लखनऊ जाने का, तो हम लखनऊ निकल रहे हैं। तो बस मैंने अपना DIY जो चीज़ें बनाई हैं, आप लोग कह रहे थे कि दीदी आप तैयार हुआ करो, तो क्या क्या चीज़ें लगाते हो वो शेयर कर दिया करो। तो मैं आप लोग के साथ में क्रीम शेयर करूँगी और सीरम शेयर करूँगी, जो मैं अभी अपना लगाऊँगी, ठीक है। तो वो चैनल पर वीडियो जो है जल्दी ही आ जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ मेरी DIY, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और खुद रखी हुई हूँ, ठीक है। देख सकते हो मेरी ये फूड क्रीम है जो मैंने अपने लिए बनाई थी हिल पे लगाने के लिए। और ये मेरा बॉडी लोशन है, ये मेरा टोनर है, और ये मेरा एक नया सिरम है, ठीक है। और अभी ये मैंने सिरम बनाया हुआ है नया, ठीक है। और ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है, वो वाला बॉडी लोशन के साथ में, वो है ये, ठीक है। और ये वाला नया सीरम बनाया है मैंने, स्किन वाइटनिंग और एजिंग के लिए है और ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए है, ठीक है। जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं उसके लिए है। इतना सीरम आपका कई टाइम चल जाता है, और मेरा ये ज़्यादा बना हुआ था और ख़त्म हो चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ में इसकी जो रेमेडी वो शेयर कर दूंगी। और ये मैंने अपना नया हेयर टोनर बनाया हुआ है, ये सॉरी अपना मैंने फेस टोनर बनाया हुआ, हेयर टोनर कह रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा समझ लेना कि फ्रिज में है और मैं बहुत जल्दी में हूँ। हम लोग की जो ट्रेन है वो 5:30 बजे की है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो फिर ये टोनर है मेरा, मैं लेके जाऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा नया टोनर है, ये मैं टोनर अपना रोज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग के साथ में शेयर भी किया हुआ मैंने, ठीक है। नहीं शेयर किया तो शेयर कर दूंगी, याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। और ये मेरी नई क्रीम है जो मैंने आज बनाई हुई है, और अभी इसका वीडियो भी मैंने शूट कर लिया, जल्दी ही आप लोग को देखने को मिलेगी। बहुत ऑसम, बहुत ही मस्त वाली क्रीम है, ठीक है। आप लोग यूज़ करोगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोग को। तो चलो मैं एप्लीकेशन कर लेती हूँ, अपने फेस पे लगा लेती हूँ, उसका रिजल्ट भी आप लोग के सामने शेयर कर देती हूँ, और सिरम को भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं और ले जाऊँगी मैं, ये वाली नहीं ले जाऊँगी, नया वाला जो बनाया है वही ले जाऊँगी, इससे पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं है, बट हाँ रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, तो आप लोग के सामने जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं स्किन केयर। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना फेस टोनर। तो फेस टोनर के लिए मैंने यहाँ पर अपना जो होममेड फेस टोनर यूज़ किया है वो घर का है, और अभी इसके वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जैसे ब्राइडल है स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जिनकी शादी होने वाली है वो ये वाली क्रीम 7 से 8 दिन लगा कर देखे, बहुत गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं इस क्रीम को और ये सिरम और ये टोनर का पूरा कॉम्बिनेशन। मैं आप लोग के साथ में टोनर थोड़ा सा रुक कर शेयर करूँगी, जल्दी ही शेयर करूँगी, ठीक है। और जो क्रीम है हमारी और जो सिरम है वो शेयर कर दूँगी मैं आप लोग के साथ में, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे क्रीम लगाते हैं तो जो हमारी गाड़ी होती है उसका जब हीटर चलता है तो वो सारी चीज़ मेल्ट होकर के हमारे नाक के पास इकट्ठी हो जाती है, जो आपका अपर लिप होता है उसके साइड में जो एरिया होता है वहाँ पर भी इकट्ठी हो जाती है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये वाली क्रीम बना के लगाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है और बहुत गजब के रिजल्ट्स हैं। मैं आप लोग के साथ में डेली बेस के लिए एक स्क्रब भी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और माइल्ड होगा, तो वो भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरा ढक्कन गिर गया था इसलिए मैं नीचे झुक कर ही ढक्कन उठा रही थी, तो आप देखिए इस क्रीम को लगाते ही कितनी ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, बिकॉज ये जो क्रीम है हमारी लिक्राइज़ की है। आप लोग लिक्राइज़ का पाउडर मत लेकर आइएगा, लिक्राइज़ की जो डंडी होती है वो खरीद के ले आइएगा थोड़ा सा, ठीक है, और उससे बनाऊँगी मैं, बताऊँगी आप लोगों को। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, लिक्राइज़ आप लोग साबुत वाली डंडी वाली स्टिक वाली लेकर के आ जाना, रख लेना आप लोग, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो में डाल दूंगी, तो आप लोग उसको चेक करके ज़रूर बनाएंगे। अंडर आई एरिया हो, चाहे ब्लैक हेड स्पॉट्स हो, आपके पिंपल के स्पॉट्स हो, सारा कुछ रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आगे आप लोगों को। हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए, तो गाड़ी हम पार्क कर देंगे, मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो।